हेलो स्टूडेंट, आज का सेशन मेरा जो है वो निमसेट को लेकर है। निमसेट, JNU, BHU, इन एग्जाम्स के बारे में आपसे डिस्कशन करना है, क्योंकि अभी आप लोगों के सेमिस्टर एग्जाम्स हुए हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी अभी सेमिस्टर्स खत्म हुए, लाइक बिहार के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, ये हरियाणा के। इन तरह के बच्चे रेगुलर मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कई बार आपसे बात नहीं हो पाती, तो जो जो आपके मैसेज हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये सेशन ले रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अच्छा, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अक्सर एग्जाम लेट होते हैं, स्पेशली बिहार के। अभी अभी आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा, नॉर्मली जुलाई में खत्म होता है, पर कई ऐसी जगह हैं, कई स्टेट्स हैं या कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें 6 मंथ डिले चलता है, तो अब आप लोगों का कंप्लीट ग्रेजुएशन हो गया होगा, या हो सकता है थर्ड सेमेस्टर खत्म हुआ हो या फिफ्थ सेमेस्टर खत्म हुआ। अब हम एमसीए के लिए क्या करें, अगर हम देखें तो हमारे पास 2019-20 बैच का जो एग्जाम होगा, 2019-20 बैच का वो एग्जाम स्टार्ट होते हैं नॉर्मली मई में। मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो होते हैं मई में। जेएनयू एक बार दिसंबर में हो चुका है, केवल एक ही बार हुआ। आप में से कई लोग उसका एग्जाम के बारे में मुझसे पूछते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम भी मई में ही होता है, तो मई के थर्ड वीक, सेकेंड वीक से एग्जाम चालू होंगे। हमारे पास कितना टाइम है, तो अगर हम देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्योर मंथ ये हैं। नॉर्मली अगर हम सबसे ज्यादा स्टूडेंट एमसीए के लिए जब बात करते हैं तो निमसेट को टारगेट करते हैं, और मई के थर्ड वीक में होगा, यानी लगभग 20 डेज यहां मिलेंगे और यहां पर अभी 10 दिन है, यानी पूरे पूरे लगभग 7 मंथ का टाइम है। तो उन लोगों के लिए पूरे 7 मंथ का टाइम है जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है। पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एक और क्वेश्चन पूछा कि सर अभी हमारा एक लास्ट सेमेस्टर बचा है जो आपका अप्रैल में होगा, और जिनका लास्ट सेमेस्टर बचा है उनके पास मैं मानूंगा 6 मंथ है। क्यों 6 मंथ है? बिकॉज 1 महीने कहीं ना कहीं सेमेस्टर में डिस्टर्ब होंगे। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेशन का पर्पज है, जो लोग मुझसे नहीं पूछ पाते हैं फिर भी मन में डाउट रहता है, कई लोग मुझसे जैसे अभी अभी बात की कि सर हमारा अब सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, अब 6 महीने बचे हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए, सीधा ड्रॉप ले लें और नेक्स्ट ईयर से पढ़ाई करें, या अभी 6 महीने में कुछ कर सकते हैं, एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या 6 मंथ में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 6 महीने सफिशियंट है, मैथ्स बहुत वीक है, 6 महीने में कवर कर सकता हूं कि नहीं, इस तरह के डाउट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय निमसेट के थ्रू, यानी आप जब NITs जाते हैं, JNU, BHU, DU सभी अच्छे हैं, BIT ऐसे बहुत सारे, पर अगर आप निमसेट को टारगेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम की प्रिपरेशन अपने आप होती है। अब अगर मैं बात करूं चाहे त्रिची, चाहे सूरतकल, चाहे कैलीकट, चाहे इलाहाबाद, इवन भोपाल की भी बात करूं, तो इस समय मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 40 लैक्स प्लस तक के प्लेसमेंट जा रहे हैं, और नॉट ओनली सिंगल स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट 40 के ऊपर प्लेस हो रहे हैं, 8 से 10 स्टूडेंट 30 के ऊपर प्लेस हो रहे हैं, और करीब करीब ऑन एन एवरेज देखें तो 20 से 30 के बीच में जो है वो 10 से 20 लाख के पैकेज पे प्लेस हो रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम है, कॉम्पिटिशन कम है, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि बहुत लाखों लोग, ऑब्वियसली नेशनल लेवल एग्जाम है पर नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट्स कम है। ये जरूर बात है कि अवेयरनेस बढ़ गई है, ये जो यूट्यूब पे सेशंस आप लोग देखते हैं उस वजह से बहुत सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। आज बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, क्लासरूम से जुड़े हुए हैं, हर स्टेट का बच्चा क्लासरूम में, और हर स्टेट का बच्चा जो नहीं आ पा रहा है वो ऑनलाइन कोर्स से जुड़ा हुआ है, तो ये एक अपने आप में अवेयरनेस बढ़ रहा है। फिर भी कॉम्पिटिशन देखें तो आज भी बहुत कम है। आप समझिए कि अगर हम 12th के बाद बात करते हैं जब IIT की, तो IIT में करीब करीब 10 से 11 लाख लोग अपेयर होते हैं, और यहां पर यह फिगर थाउजेंड्स में चला जाता है। 3-4 साल पहले तो मैं आपको बता दूं 6 से 7 थाउजेंड थे, पर अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो करीब करीब 10 से 15 थाउजेंड तक स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। हो सकता है इस बार 20,000 हो जाए, इससे ज्यादा फिगर के चांस कम होते हैं, बिकॉज जो बच्चा IIT का एग्जाम देता है वो कहीं ना कहीं IIT के थ्रू एडमिशन लेता है, NIT के थ्रू या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के थ्रू, या कंप्रोमाइज करता है। बहुत ही लिमिटेड क्राउड होता है जो इसमें आता है, बट फिर भी एक चीज समझिए कि निमसेट में, क्योंकि अगर आप टॉप 5-6 NIT टारगेट करते हैं तो आपकी रैंक 300-400 के अंदर ही होनी चाहिए। इवन त्रिची के लिए तो अगर आपकी रैंक 100 के अंदर है, जब भी हो सकता है 60-70 होगी जब भी आपका सिलेक्शन होगा, तो पर आप समझिए ऐसा नहीं है। आप कई लोग ये भी सोचते हैं कि अपेयरिंग स्टूडेंट कम है तो इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ऐसा आज भी नहीं है। कंपटीशन में अपेयरिंग कैंडिडेट का काम है, पर जो अपेयरिंग होता है उसमें से 60-70% बहुत सीरियस होता है। इसलिए अगर आप बहुत ही फोकस होकर पढ़ाई करेंगे तो ही अच्छा एनआईटी मिल सकता है। और सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% है तो आप निमसेट के अलावा और कोई एग्जाम टारगेट मत करिए। जेएनयू या बीएचयू स्पेशली मैं उनको बोलता हूं, जैसे किसी के 55% है ग्रेजुएशन में या 50% है तो ये एग्जाम है, अदरवाइज निमसेट से अच्छा कोई एग्जाम नहीं है। प्लेसमेंट यहां पर भी है और 60% के ऊपर है तो निमसेट को, इसलिए हमने जो अपना कोर्स भी बनाया ऑनलाइन वो सभी को टारगेट रखते हुए चला है। पर निमसेट में क्योंकि मैथ्स भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग भी आता है और कंप्यूटर फंडामेंटल भी आता है और इंग्लिश भी आता है, तो ऐसे में आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो मिसगाइड मत होइए, पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप एक प्रॉपर लॉजिकल तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो उसका एक रिजल्ट मिलेगा। और वही इस बार से कोशिश है, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे जुड़े थे पर इस साल हमने बहुत एडिशंस कर दिए। सबसे अच्छी बात यह कि इस बार से ऑनलाइन कोर्स में आपको अब रेगुलर क्लासेस भी मिलने लगी है कोर्स के साथ साथ। तो उसका फायदा क्या है जो मुझे बच्चों ने फीडबैक दिए वो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग भी ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि एक तो पूरा आपने कोई भी टॉपिक, जैसे सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पढ़ा, और फिर हर क्लास में कितना कवर होता है वो एक आपके रिवीजन का काम करता है, टेस्ट पेपर एनालिसिस, ये सारी चीजें तो रेगुलर जुड़ते जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों का सेमेस्टर खत्म हो चुका है अब मैं उनके वो डाउट डिस्कस करूंगा जो उन्होंने बोले। नंबर वन कि 6 महीने का टाइम हम मान लेते हैं कि 6 मंथ सफिशियंट है, नहीं ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर ही अच्छे से पढ़ाई की जाएगी, नहीं क्या 6 महीने में हो सकता है, मैथ में बहुत वीक है तो क्या 6 महीने सफिशियंट टाइम है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 6 मंथ का टाइम है, आप फाइनल ईयर कर चुके हैं तो भी और नहीं करा है तो भी, 6 महीने का टाइम सफिशियंट भी हो सकता है और नॉट सफिशियंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के तरीके को। अब क्लास में भी मैं देखता हूं जब बच्चे आते हैं तो कई बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सेकंड ड्रॉप लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता ग्रेजुएशन या फर्स्ट ईयर तक, और मतलब एक ड्रॉप के बाद या लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसलिए कभी कभी सेकंड ड्रॉप लेना पड़ता है। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, ड्रॉप लेने में कोई लॉस नहीं है। जीवन का वो समय कभी भी मत बचाइए जो पूरे जीवन को बनाने वाला हो, यानी जिससे आपके ये अगले 50 साल बनने वाले हो उस एक साल को कभी मत बचाओ। पर क्वेश्चन मेरा ये है, मैं जो भी फोन पे मेरी बच्चों से बात होती है मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर 6 महीने प्रिपरेशन की तो चांसेस है होगा या नहीं, पर अगर प्रिपरेशन ही नहीं की तो क्या चांसेस है। तो सबसे पहले ये 6 मंथ को यूटिलाइज करना है, इनको वेस्ट नहीं करना। एक सिवा अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो इन 6 महीने में जब पढ़ा हुआ होगा तो ड्रॉप ईयर में आप 0 पे नहीं होंगे, 99.99% इवन 100% मैं बोल सकता हूं वो बच्चा ही सेकंड ड्रॉप लेता है जो फर्स्ट ड्रॉप में देर से पढ़ना स्टार्ट करता है या उसी समय पढ़ाई करता है। नहीं तो पहले ड्रॉप में हमेशा उन बच्चों का होता है जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ प्रिपरेशन की हुई होती है और उनको नॉर्मली या कोई सेकंड ईयर में पढ़ता है तो फाइनल ईयर के, कई बार किसी भी एग्जाम में जैसे आईआईटी के एग्जाम में अगर कोई बच्चा 9th-10th से पढ़ रहा है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, किसी ने 11th से स्टार्ट किया और ज्यादा और मतलब उसके भी है पर उससे कम है, और किसी ने 12th में किया तो सबसे कम है, और किसी ने 12th के बाद किया तो लेस है। यानी आप जितना पीछे से दौड़ेंगे सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा होंगे। तो अब ऐसे में ये 6 महीने ये सोचने में कि होगा कि नहीं, तो आप एक बात अपने अंदर से ईमानदारी से पूछिए, प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो 100% नहीं होगा, या अधूरे मन से करेंगे तो भी नहीं होगा, इनकंप्लीट करेंगे तो भी नहीं होगा, प्रॉपर टेस्टिंग प्रॉपर प्रपोज सिलेबस अगर ये सब कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आप एक अच्छा रिजल्ट दे दें। और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड हैं कि जनवरी में आया हुआ बच्चा भी यहां पर, क्योंकि हम जनवरी में एक फास्टैक कोर्स करते हैं, उसका भी रिजल्ट अच्छा आता है। इनफैक्ट अभी क्योंकि सभी के सेमेस्टर खत्म हुए तो बहुत इंक्वायरी होने की वजह से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 4th of November से, दिवाली के बाद वाले मंडे से, और इस बैच में वो सभी स्टूडेंट जिनका फाइनल ईयर हो चुका है या जो लास्ट सेमेस्टर में है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये 6 मंथ बैच होगा और फिर जनवरी में जो हम करते हैं स्टार्ट वो होता है फास्ट टेक कोर्स। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है, इसमें कम होगी। तो अब आप अगर क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप 4th November या 4th November के पहले भोपाल आ जाए, यहां पर हॉस्टल की सारी फैसिलिटीज है, सीधे आपको अपने लगेज के साथ आना है, सेम डे 1 आवर के अंदर आपको हॉस्टल मिल जाता है।
चाहे बॉयज हो आप गर्ल्स हो, कोई दिक्कत नहीं, हर स्टेट के हर जगह के बच्चे हैं। और नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाएं और 4 नवंबर के बैच को फॉलो करें। और एक और बात, जो अभी अभी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते जा रहे हैं उन सबको मैं बोलूंगा कि आपको जो अभी करंट टॉपिक है वो पढ़ते जाएं। और आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जो पीछे के टॉपिक निकले उनका क्या करें, तो उनको आप 4 नवंबर से फॉलो करना चालू करें। तो जितने बच्चे 4 नवंबर के पहले या 4 नवंबर के बाद ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते हैं वो 4 नवंबर के बैच को फॉलो करेंगे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास अभी टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस 6 मंथ को क्या करना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर एक बच्चा जो 1 ईयर वाला है वो रोज 4 घंटे पढ़ता है तो आप 8 घंटे पढ़ के 1 साल बना सकते हैं। वो 6 घंटे पढ़ता है तो आप 12 घंटे पढ़िए, आपको ही करना है। और एफर्ट्स अपने 100% करिए, चाहे बच्चा यहां कभी भी आता है मैं बोलता हूं रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई मत करो, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे तो उससे दोनों जगह फायदा होगा, अच्छा रिजल्ट भी आएगा नॉलेज भी बढ़ेगी। एक सिवा आपने अभी पढ़ाई की और आपका अच्छा रैंक नहीं आया, क्योंकि देखिए 1000 रैंक वाला बच्चा भी कहने को, कई लोग कई जगह पर ऐसा बोला जाता 1000 रैंक आई 2000 रैंक आई, पर उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो आपके सिलेक्शन को नहीं बताती। 600, 700 के ऊपर के रैंक कोई काम की नहीं होती क्योंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी 500 रैंक पर क्लोज हो जाता है। तो ऐसे में हमें यह समझना है कि हमारे को अपने आप को टॉप 500, टॉप 300, टॉप 400 में बनाना है। तो आप अपनी 6 महीने की बहुत अच्छे इनपुट दीजिए, क्योंकि हम इस 4 नवंबर के बैच को यह मान के चलिए कि ये अप्रैल 30 को हम इसका सिलेबस खत्म करेंगे, यानी 6 महीने का ही टारगेट लेके चलना है। या हो सकता है 4 मई कोई करें ऐसा मान लीजिए, इस 6 महीने को मतलब 180 दिन में इसका सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसमें सारे टॉपिक मैथ्स के, लॉजिकल रीजनिंग के, कंप्यूटर फंडामेंटल के, एज वेल एज टेस्टिंग, ये सब कुछ होगा। तो जब मैं क्लास में कवर कर सकता हूं और यहां पर सारे बच्चे कवर कर सकते हैं, और मैं आपको अभी से बता दूं कि इन बच्चों को मैं मिलवाऊंगा अभी, तो आप देखेंगे, और पिछले साल भी करा था मैंने कि इन्हीं बच्चों के बाद में रिजल्ट दिए थे, यानी ये पॉसिबल है। तो पहला आप कोशिश करिए, आ सकते हैं वेल एंड गुड, अगर फाइनल ईयर हो चुका है तो आ सकते हैं, फाइनल ईयर नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा आने की जगह ऑनलाइन कोर्स से घर पे पढ़े। इवन फाइनल ईयर हो चुका है और नहीं आ सकते हैं तो भी आप ऑनलाइन कोर्स से घर पे पढ़ाई करें, जिससे कि बिल्कुल उसी मॉडल को फॉलो कर सके जिस मॉडल में क्लास में चल रहा है। और जो बच्चे पिछले 15 दिन में अभी जुड़ते जा रहे हैं उन सबको अभी मैंने बताया आपको कि नेक्स्ट मंडे से, मतलब कमिंग मंडे से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस का, एक टॉपिक पहला मतलब कैलकुलस का, आप वो पढ़ना स्टार्ट करें। और जो एलजेब्रा के टॉपिक है, क्योंकि स्टार्टिंग बैच में हम हमेशा एलजेब्रा से करते हैं, 4 नवंबर के बैच को आप फॉलो करते चले। तो 6 महीने भी बहुत टाइम हो सकता है और बहुत कम भी, ये आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करेगा। तो ये सोचने की जगह कि होगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, 6 महीने बाद ड्रॉप लेके करें, सब दिमाग से निकाल दीजिए, पहले अपना 100% 6 महीने दीजिए एंड अकॉर्डिंग टू रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि हमें ड्रॉप लेना है कि नहीं। और मैं श्योर हूं कि अगर आपने मेरी बात मान के अपने 100% देने की कोशिश करी तो हो सकता है ड्रॉप बच जाए, और अगर एक सिवा ड्रॉप लेना पड़ा तो आप उस ड्रॉप ईयर में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि ये 6 महीने की मेहनत आपके ड्रॉप के पहले दिन से काम आने वाली है। तो इस पॉजिटिव माइंड के साथ प्रिपरेशन करिए, कभी भी कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करें, क्योंकि कई बार बात नहीं हो पाती तो मैसेज के थ्रू मैं आपको रिप्लाई भी देता हूं और आपकी बातें समझ के उसी ढंग से सेशंस भी लेता हूं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।